अनवर बलोच रेस्टोरेंट में हमने इसका आगाज़ किया है और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों को इसमें हम आपका आपको विजिट कराएंगे, तो हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोकर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुश्ताक खोकर 66। दोस्तों, वीडियो आपके सामने बहुत ज़बरदस्त है, इसे मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। दोस्तों, आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी मौजूद हैं, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और आल के ऊपर आपने प्रेस करना है। तो दोस्तों, मेरे साथ रहिए और हम आज मलिर के मुख्तलिफ हिस्सों का विज़िट कर रहे हैं। मलिर एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है कि इसको हम रोज़ाना भी अगर एक्सप्लोर करें तो इसको कई महीने लग जाएंगे, इतनी बड़ी ये जगह है। हम उर्दू नगर की रिक्शा मार्केट से चले थे और अब हम जिना स्क्वायर और जिना स्क्वायर के बाद हम लियाकत स्क्वायर से गुजर आए। दोस्तों, ये एरियाज़ यकीनन आप इस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते होंगे तो यकीन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। हम नादे अली पर पहुंच चुके हैं, खुमैनी हॉस्पिटल के सामने, और ये जामा मस्जिद फारूक आज़म है और बड़ा रौनक वाला ये इलाका है। लियाकत स्क्वायर से कुछ आगे ये नादे अली का स्टाफ है और ये खुमैनी हॉस्पिटल। खुमैनी हॉस्पिटल भी इलाके का एक बड़ा हॉस्पिटल है, और वैसे तो भाई मेरी दुआ है कि अल्लाह हर एक को हॉस्पिटल से दूर ही रखे और बचा के रखे, हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही ना आए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो हम नादे अली से आगे की तरफ रवाना हैं, जो कि मलिर का एक नाम के हिसाब से बड़ा ख़ूबसूरत एरिया है, और वो है शीश महल। तो जी, ये शीश महल का इलाका है, लेकिन यहाँ पे ना शीश मिलेगा, ना शीशा मिलेगा और ना शीश महल मिलेगा। यहाँ ये देखें कबूतर, कबूतरों का देखें रौनक, देखें ये जंगली कबूतर हैं और ये दाना खाने आते हैं। ये वो दाना खाने आते हैं जो यहाँ पर जो गधे बनते हैं उनकी जों गिर जाती है नीचे, और ये गधे बेचारे पानी के सप्लाई पे अपनी ड्यूटी देने चले जाते हैं, तो ये कबूतर उनका गिरा हुआ दाना खाने आते हैं। ये शीश महल की ख़ास रौनक है, ख़ास बात यह है। ये मिल्लत गार्डन की दीवार के साथ है, जो यहाँ के बेतहाशा गधा गाड़ियाँ पानी की सप्लाई का काम करती हैं और शीश महल से ये पानी मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है, जिससे हम लोग पानी को हासिल करने का, हमारा लिए ये एक बेहतरीन दरिया है। गवर्नमेंट ने तो पानी ना देने का तय किया हुआ है। तो ये हम शीश महल के असल मोड़ पे पहुंच गए हैं। ये होटल है दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प है, आपके अपने इलाकों की है ये वीडियो, और हम सब इन इलाकों से दिन में कई कई मरतबा गुज़रते हैं, और हम जब अपने इलाके की वीडियो को मीडिया पर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी सोच के साथ
मैं अपने चैनल पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और अगर पसंद आ जाए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे ये चैनल तो अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में भी इसे मुतारिफ़ कराइएगा ताकि वो भी मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर बन सकें और उन्हें भी प्यारी प्यारी वीडियो देखने को मिले। तो हम इस टाइम मोहब्बत नगर में पहुंच गए हैं, मोहब्बत का ये इलाका है और बहुत मोहब्बत से हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, और ये बहुत ये डॉक्टर अमानुल्लाह के क्लिनिक के पास से हम इस टाइम गुज़र रहे हैं। दाऊद गोट का ये इलाका है, इसके साथ ही मलिर मेमनन का ग्राउंड पड़ता है अंदर की साइड पे, और बाहर पे ये मलिर सिटी जाने वाली शाहरा है। सामने फैजी गार्डन और शादी हाल बन गए हैं, अब मामा फैजू के नाम से हम लोग उन्हें जानते हैं, फैजी गार्डन वाले। तो हम इस रोड पे से नज़ारा करते हुए और आपको यहाँ का नज़ारा करवाते हुए गुज़र रहे हैं। दोस्तों हम मलिर 15 पहुँच चुके हैं, और मलिर 15 के ये बेहतरीन ख़ूबसूरत मस्जिद जो कि पुल के दरमियान में बनी हुई है। ये पुल बनने से पहले ये मस्जिद फाटक के बिल्कुल साथ में ही होती थी, और ये उसी जगह पे आज भी कायम है, और पुल भी जो ना बन गया है और इस मस्जिद को भी बचा लिया गया ताकि इबादत का सिलसिला भी चलता रहे। तो ये हमने पुल के नीचे से पूरे पुल का एक नज़ारा करवाया है, और ये यहाँ पे पुल के नीचे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, फ्रूट वाले बड़ी तादाद में यहाँ खड़े हैं, यहाँ सुजुकी स्टैंड है, यहाँ मज़दा स्टैंड है, और यहाँ पे रिक्शे वगैरह सबों को जगह मिली हुई है ताकि यहाँ से ये अपना रोज़ी रोज़गार हासिल कर सके। तो एक पुल बनने से आवाम को बेतहाशा सहूलतें मैसर आई हैं। ये देखें बेतहाशा रेड़ियाँ यहाँ लगी हैं, गाड़ियाँ, रिक्शे, सुजुकी, मज़दा अलगरत, और ये बकरा पीढ़ी से मेमन गोट जाने वाला रास्ता है जाम गोट के रास्ते से, यानी कि आँखों का जो हॉस्पिटल है जाम गोट में वहाँ से होता हुआ जाता है ये रास्ता, ये बकरा पीढ़ी रोड कहलाता है। और हम अब नेशनल हाईवे के ऊपर रवा दवा हैं। ये इमाम बख्श मार्केट है, इलाके की मशहूर इमाम बख्श मार्केट, बम्बई मार्केट, और ये सादिक क्लॉथ हाउस। इससे चंद कदम के फासले पे एक कदीम स्टाप पकोड़ा स्टाप मौजूद है, ये जो बैंक आ रहा है ये पकोड़ा स्टाप कहलाता था, आज लोग पकोड़े स्टाप को शायद जानते भी नहीं है। तो ये पकोड़ा स्टाप, और पकोड़ा स्टाप के बाद ये जीवानी फूड बहुत मशहूर है नेशनल हाईवे की, ये बहुत प्यारी प्यारी, ये है हाफिज़ स्वीट, मशहूर और मारूफ हाफिज़ स्वीट। और दोस्तों वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी, और मुकम्मल देखिएगा, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। तो ये है चटाई ग्राउंड का इलाका, अंदर चटाई ग्राउंड है और ये बाहर की रौनक है, और यहाँ से अब मैं दूसरी जानिब जाऊँगा, अल जन्नत स्वीट्स मशहूर दुकान है, और ये है मलिर सिटी का मंदिर स्टाफ, यानी कि मलिर मंदिर, कदीम दौर की ये निशानियां हैं मलिर मंदिर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पे जो दोस्त नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये मलिर कोरट है आगे, और मलिर कोरट से आगे मशहूर रेस्टोरेंट अनवर बलोच है। तो अनवर बलोच इलाके का बहुत बेहतरीन और बेहतरीन खानों का मरकज़ है, तो आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाएं कभी, जब भी मौका मिले अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, यहाँ पे आकर यहाँ के खानों को खाकर
आप लुत्फ़ानंदोज़ हों। और ये गुलशन कादरी कोरट के सामने का एरिया है, ये गुलशन कादरी। तो दोस्तों ये मलिर सिटी का पुराना इलाका है, ओल्ड एरिया है ये। और ये नेशनल हाईवे है, ये टंकी सामने रजा मॉल के सामने ही पड़ती है, ये पेट्रोल पंप। और ये गाजी टाउन गुलशन कादरी का ये स्टॉप है। सेरिना बैंक्वेट है ये, और अंदर यहाँ से बकरा पीढ़ी की तरफ गुलशन गाजी टाउन की तरफ रास्ता जाता है। और अब अनवर बलोच रेस्टोरेंट हम पहुँचने वाले हैं, तो हमने वहाँ पे कुछ देर क़याम करेंगे और वहाँ पे तोआम करेंगे। तो अब आप वीडियो मुकम्मल देखें, और मैं अभी ज़्यादा चाहता हूँ वीडियो से महदूद हो। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो ये आप जो देख रहे हो, ये अनवर बलोच रेस्टोरेंट, ये हमने इसका आगाज किया है और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों को इसमें हम आपका आपको विजिट कराएंगे, तो हमारे साथ रहेंगे।